राधे राधे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 5 बजे से। आप सब लोग कैसे आए हो? आप लोग सब ठीक होंगे और आप सब लोगों का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आमा चाय पीने लगी है और मैंने भी डाल ली है चाय। नाश्ता बन के हो गया मेरा तैयार, मतलब रोटी बनी है चाय और बाहर का सारा काम करके रोटी बन गई है। बस प्याज आज कट कर रखा है और अभी देखा फ्रिज में अंडे ही नहीं है, तो अब मैं चाय पी के जाती हूँ दुकान। या बच्चे, अगर बच्चे चले जाएंगे तो ठीक है, अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा दुकान। दुकान से लाऊंगी अंडे भी बनाऊंगी इनके लिए, फिर इनके लिए बनाऊंगी अंडा भुजी। अब बच्चों को उठा के आए हो, मंतु तो उठ गई है, मैं रोटी पका के उठ गई, हाथ में धोती है, ब्रश वश कर के पढ़ाई कर रही है। एक को 10 बार उठा दिया, अभी भी उठाए नहीं उठाए, मैं देख के आती हूँ तो क्या कर रहा है, सोया ही है या पढ़ाई कर रहा है, परेशान कर रखा है। चाय भी नहीं पीने चाय टाइम से, देखो ये देखो इसका कितने देर से उठा दी इसको। अब मन तो देखो साथ में दो बादाम भी खा दिए ना, बादाम छिल के बादाम भी खा दिए हैं। और इसके हाल देखो, ए आयुष वो देखो। अब मैं डंडा मारूंगी और रात को, आज कम 3 एहसास होते हैं इसके, रात के 11 बजे तक खेके खेके खो खो खू खेके खेके खो खो खू बोल जाएगी। और बाबू अभी भी बहुत टाइम है, अभी तो देख 5 बजे का है। मैंने तो मंतु को आज 4:40 में उठा दिया था और अभी हो रहा है 5:10 हो गए हैं। अरे गुड मॉर्निंग बोल दे, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। हाँ चांडे लेके आप दुकान से, हम नहीं बोल रहे, देखो मुझे जाना पड़ेगा अंडे लेने। अब मैं चली दुकान, बच्चा का देखो मेरे घर में, अब मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाती हूँ। अब मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ दुकान, स्कूटी से आती लेकिन मैं सोचा कोई नहीं था, बस चल लेते हैं सुबह सुबह, स्कूटी तो घर में ही थी। अब पहुँच गई हूँ मैं दुकान, दे दो भाई जल्दी जल्दी अंडे दे दो। आज मैं पूछा था भी लगा दे सुबह सुबह, और मैं चप्पल होके आ गई सुबह सुबह अच्छे पैंट अंडा लंगा। ये तो आ रहे हो, ये आते कहने दे दियो, कितनी देर हो, बस हो गया। बनाऊंगी प्याज, आज काट के आई हूँ। अब हम चले घर को, पहुंच गए हम अपने घर के पास। बच्चा बाटी चले गए हैं तैयार होने, अब मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ भुजी। बच्चा बाटी को कल रात का पता था हमारे एनिवर्सरी का, आज सुबह से दोनों ने मुझे विश नहीं किया है, ना पापा को किया था, पापा के तभी टाइम तो बच्चे उठे नहीं थे, और पति देव को तो मैंने 12 बजे विश कर लिया था। हैप्पी एनिवर्सरी मतलब मैंने रात के 12:06 में बोल दिया था। और बच्चा पार्टी कल तक तो बहुत बोल रहे थे, हम सुबह जल्दी उठ के मम्मी को पापा को बोले कि चलो पापा तो दुकान से ले गए थे, मुझसे तो बोलते उनके वो बोल रहे हैं अपना बोलते हैं, बोल भी नहीं बताऊँगी कि है करके आज एनिवर्सरी में, उनको याद नहीं दिलाऊँगी। और मेरा प्याज डाल दिया है और अंडा मैंने इसमें हल्दी नमक मिर्च डाल के बना दिया, मैं जल्दी से बनाती हूँ, पार्टी पंडा तैयार करती हूँ। उसके बच्चे तो दोनों चले गए हैं तैयार होने, और फिर पानी डाल दिया मैंने बोतलों में, स्कूल की बोतलों में डाल दिया है। आज मम्मी लोग भी निकल गए हैं वहाँ से, और मम्मी लोग भी आज अपने एनिवर्सरी में तो नहीं पहुँच पाए वो घर, लेकिन मेरे हमारे एनिवर्सरी में घर पहुँच रहे हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। चलो हमें कल तो हमने अकेले बनाया, उनके बगैर मतलब ऐसे ही छोटा मोटा हमने बना लिया था, लेकिन हमारा वाला उनके साथ ही बनाएंगे हम लोग, अच्छा लग रहा है। आप अपना अगर आज मम्मी लोग नहीं आते अच्छा नहीं लगता, कि लेकर 4 ही लोग तो एक आमा 5, आज मम्मी लोग आ रहे हैं तो खुशी हो रही है कि हाँ आज मम्मी लोग आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। अकेले
बच्चे ने भी, बच्चे पार्टी जब तक घर में होते हैं अच्छा लगता है, फिर उसके बाद कोई नहीं खा रहा। आमा मैं आमा अपना वहीं बैठे रहते हैं बाहर एक जगह, मम्मी होती तो कुछ ना कुछ बातें टाइम का पता नहीं चलता। मंत्री बनाने लगी है बाल। अरे आज तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है यार, सुबह से क्या बात, कोई भूल गए क्या आज का क्या है? कब बोलता था? मैंने नहीं सुना। थैंक यू बच्चा। आप पापा को भी बोलते, पापा चले गए दुकान, कब बोला पापा को? पापा को भी बोल दिया? अरे अब मुझे ही बोल दिया। मैंने तो सुना ही नहीं। फिर जब किचे कल दे मेरा बच्चा, देव गाड़ी धो के कर रहे हैं अभी साफ, और आज बुकिंग है लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि पापा लोग हैं तो पहाड़ हैं, तो ये अपने दोस्त, इनका दोस्त है वो लेके जा रहा है हमारे, वो लेके जा रहे हैं हमारी गाड़ी आज, वो चलाएंगे, दिल्ली की गाड़ी है, और पापा लोग तो शाम को पहुंचेंगे। तो आज बुकिंग है हमारी, आज मम्मी आ चुके हैं पहाड़ से, 1 बजे पहुँच गए थे ना मम्मी लोग, 1 बजे पहुँच गए थे। तो उसके बाद आशा आए, मम्मी लोगों ने नहाया आया, फिर मम्मी ने भात खाया, भात तो इनने खाया नहीं, पकाया तो मैंने था, भात भी पकाया था इन लोगों के, हैं आज पापा ने, और पापा पापा ने तो खाया, मम्मी ने नहीं खाया, फिर मम्मी नहा रो गया नटन करके सो गए थे, अभी थोड़ी देर पहले उठ रहे हैं, तभी बस पापा ने उल्टे उल्टे बैठे पहला गया पहाड़ ठंडे हो रहे ना वहाँ, तो ठंडा हुआ था, मम्मी स्वेटर भी नहीं ले गई थी, बाद में कह रहे थे कितना ठंडा हो रहा है यहाँ, वहाँ तो मैंने एक शॉल डाल दिया ना मम्मी, और बारिश वारिश तो लगातार हो रही थी कह रहे थे, अच्छा मौसम है यहाँ तो, इतनी गर्मी हो रही है ना। मम्मी लोग मंदिर से ये भी लेके आए टोकरी, जब हम कभी मंदिर जाएंगे तो ना मम्मी, कभी हम मंदिर जाएंगे इस टोकरी में हम ले जाएंगे फूल, जैसे हम थाली में ले आते हैं, हम आप थाली में नहीं जाएंगे, हम इसमें ले जाएंगे अगरबत्ती धूपबत्ती सब चीज़ में डाल डूल के ले आएंगे, फिर तेल वगैरह मंदिर में जाते हैं, और भगवान जी की फ़ोटो लाएँ एक, ये है, ये सबौरा वाली ताई की है ना, ये सबौरा वाली ताई की है, और ये है सबौरा वाली ताई की, और वाली हमारी है, सबौरा वाली ताई वहाँ पे उतारना भूल गए हैं, यहाँ पे हमारे घर में उतारी, और ये रहे का फल, क्या ये मिठाई, इसमें भी मिठाई है और इसमें भी मिठाई है, बाल मिठाई, इसमें संतरे, ये हमारे इससे बन रहे हैं, ये पुष्पा चाची के घर, मंजू चाची लोगों के घर, और ये मेरी जेठानी लोगों के घर, और ताऊ जी लोगों के लिए भी बन रहा है, जा लेके आएगी क्या, लेके आ बोला, और अभी बना दे रहे हैं, और आयुष और माइका ट्यूशन नहीं है तो मैं कह रहा हूँ इनसे जल्दी जल्दी पहुँचा के आओ, 3 जगह ये लोग पहुँचा के आ जाएंगे, ठीक है 3 जगह पहुँचाना, किरण दी के घर, नरू चाचा लोगों के घर, और धीरू चाचा लोगों के घर पहुँचा के आ हमारे, और गौरव चाचा को फ़ोन कर देंगे, गौरव चाचा अपना ले जा लेंगे, ठीक। हमारे में कहीं भी जाते हैं, जैसे पहाड़ जाते हैं तो हमारे में जैसे ये चीज़ उन लोगों के भी आते हैं पहाड़ से तो वो लोग भी देते हैं, और हमारे में ये होता है पहाड़ी रिवाज में होता है कि पहाड़ की कुछ भी चीज़ आए तो थोड़ा थोड़ा, भले ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बाँटते ही बाँटते हैं। 3 हिस्से तो बन गए, एक हिस्सा और बनाऊँगी मैं इसमें, गए हैं 4 हिस्से बन गए हैं। अब बच्चा पार्टी जल्दी जाओ, देख आओ जल्दी 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 जाओ बच्चा, और किरण दी को भी लाना वहाँ पे से, हाँ अकेले मत जाना, हमें जाना किनारे किनारे बाबू। मैं हो गई हूँ तैयार, आज है मेरी एनिवर्सरी तो मैं हो गई हूँ तैयार, और ये रहा मेरा आज का लुक। पति देव कहते साड़ी पहन, लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहनी, साड़ी पहनने में लगता है टाइम, तो मैंने कुर्ती डाल ली है। अब पतिदेव को भी लगने लग गया है टीका, मैंने दरवाजा बंद कर दिया हमारे रूम का, ले मन को तेरा भी लगा, केक लेके धीरुआ भी लगा भाई।
अंशु से भी बोला आना करके, अंशु पहले वहाँ चले गया। लगा ले मैं, ठीक है? आई रोज ले वो लोग को, तू लगा के आ दे बाबू, वो वाले वो भी है ना। अरे यहीं आला लगा दे, लो ले पिठा, तू नहीं लगा रहे फिर पिठा नीचे रख देना। हां दोनों बहू को लगाना। हां टीका लगा के तो चेहरा क्या ही खिल जाता है गाइस। देखो हमारी पहाड़ी रीति रिवाज, नाक के नाक से लगाते हैं। सुनो 20 को अमालों की, फिर 21 को हमारी, और 20 चाचा की, सबके एनिवर्सरी साथ साथ। चाचा की शादी इसी हिसाब से करेंगे हम लोग ना, मई में ही करेंगे तुम्हारे भी। असली गर्मी में रुको, असली गर्मी में होगी तुम्हारे शादी में। हमारी गर्मी में हुई तो गोपी की भी हम गर्मी में करेंगे ना रे। हाँ तब नहीं होता था हमारा दिन पंखा पड़े गर्म। तो अभी मम्मी लोगों की फोटो शूटिंग हो रही है और कैमरा मैन आज के ये हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, आराम से खाओ, इतनी जल्दीबाजी नहीं है। चलो खींच रहा वहाँ, यहाँ देखो वहाँ, या भाभी यहाँ देखो। यहाँ देखो, अरे आई यहाँ देख, बाद में खाना पहले खिला दे, खिला दे, वीडियो बना दे। ये मुंह में आ रहा है नीचे कुछ भाई यार, मेरे कच्चे कराना वही ले लिया। ये मम्मी तुम तो क्या ही बड़ा ही काट दे रहे हो जी। आ दे जल्दी है, हमने भी नहीं दे दिया, मैंने तो दो, मैंने भी दे दे, तुम्हें खाओ। तो अभी मैं हमने मम्मी लोगों के लिए गिफ्ट बना रखा है अपने हाथों से, तो अभी हम मम्मी लोगों को देंगे। बहुत मेहनत से बनाया बच्चों ने, 2 दिन लगे ना इसको बनाने, 2 दिन लगे। तो दिखाओ पास से, सब लोगों को दिखाओ। ये बंदू का हुआ है, ये मायने बनाया है। और ये वाला आइस ने, थैंक यू बच्चों, आयुष दा, थैंक यू बब्बू। चलो अब आ गया नंबर गिफ्ट देने का, मैं पतिदेव के लाई हूँ गिफ्ट, पतिदेव लाए मिले, और क्या क्या लाए हैं हम आप लोगों को दिखाते हैं, अभी खोल के पता चलेगा आप लोगों को। और मुझे पता नहीं है इसके अंदर क्या, और इनको भी पता नहीं है इसके अंदर क्या है। बेलम गीता लग्जरी तरुण कमली, क्या क्या हो सकता है। अरे ये तो सेंटर, उसके अंदर नहीं पता क्या हो सकता है। क्या है भाई ये ये तो गजब हो गया भाई, मैं तो सोचा ही था भाई ये थैंक यू।
आज मैं बहुत खुश हूँ, मिलने आ गया आयुष आईफोन 15। मैंने सोचा नहीं था पति देव इतना महंगा गिफ्ट देंगे मुझे, लेकिन मजा ही आ गया। और मैंने क्या दिया, मैंने इनको दिया परफ्यूम और इनने मुझे दिया आईफोन। मजा ही आ गया मम्मी, तुम्हें आया नहीं आया मिलने। मैंने सोचा नहीं था पति देव इतना अच्छा गिफ्ट देंगे, लेकिन मजा आ गया। आयुष मुझसे ज़्यादा खुश तो आयुष है ना, आयुष मुझसे भी ज़्यादा खुश है। मम्मी आप मतलब आपका फोन मेरा फोन बोल रहा है आयुष, आयुष तो कुछ ज़्यादा ही खुश है मेरे लिए और बहुत खुशी हो रही है आज तो। और कलर भी मेरा फेवरेट आया है, उसमें पिंक कलर लेके आए हैं ये सब, वो मेरी पसंद से ही लेके आए हैं। थैंक यू बाबू। चाचा हो रहा है हमारा केक और कोल्ड ड्रिंक पार्टी लास्ट में। और ये गधे तो सब देखो गगला और लाता दादी लहन बिस्तर में बैठ रखे, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं ये लोग। सबसे आगे वाला तो सबसे बड़ा गधा है। नहीं रे बहुत अच्छा देवर है हमारा तो। धीराज चुप्पा इधर देख लो थोड़ा हंस दे।